तो डालते हैं नजर आज के प्रदेश के खबरों पर। कन्नौज के पुलिस का अनोखा न्याय आमजन के बीच खूब चर्चित हो रहा है। यहाँ पुलिस ने चोरी की बरामद भैंस के मालिक को पहचानने का काम खुद भैंस से करवाया। असल में बरामद भैंस के दो दो दावेदार कोतवाली पहुंच गए और भैंस अपनी होने का दावा कर रहे थे। पुलिस जब फैसला नहीं कर सकी तो भैंस को बीच में छोड़ दिया। फिर क्या था, भैंस ने अपने असली मालिक के पास पहुंचकर खड़ी हो गई। कन्नौज के तिवरा कोतवाली क्षेत्र के अलीनगर निवासी धर्मेंद्र की भैंस 3 दिन पहले चोरी हो गई थी। 3 दिन पहले ही तालग्राम के वीरेंद्र की भैंस भी चोरी हुई थी। आज मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चोरी की भैंस बरामद कर ली। भैंस बरामद होने की जानकारी मिलते ही धर्मेंद्र और वीरेंद्र तिवरा इतवाली पुलिस पहुंच गए। दोनों भैंस पर अपना दावा कर रहे थे। जब पुलिस दोनों का फैसला नहीं करवा पाई तो उसने मालिक पहचानने का काम भैंस पर ही छोड़ दिया। कोतवाली के ASI विजयकांत मिश्र ने दोनों दावेदारों के बीच में भैंस छोड़ दी। दोनों ने आवाज देकर भैंस को अपनी तरफ बुलाया। थोड़ी ही देर बाद भैंस ने अपने असली मालिक धर्मेंद्र को पहचान लिया और उसके पास जाकर खड़ी हो गई। ASI के सूझबूझ भरे निर्णय की जमकर सराहना हो रही है। तो वहीं भैंस का दूसरे दावेदार भी इस फैसले से सहमत हो गया। वह चुपचाप इस समय अपने गाँव वापस चला गया। मामला एक भैंस का आया था, दो पक्ष कह रहे थे मेरी भैंस है, वो कह रहे थे मेरी भैंस। मैंने फैसला भैंस के ऊपर ही डाल दिया कि जिस पक्ष की भैंस होगी उसके साथ चली जाएगी। मामला पड़ गया, जिसके साथ जानी थी भैंस, जिसकी थी उसके साथ भैंस चली गई। दूसरे पक्ष ने इस बात को संतुष्ट हो गया कि हाँ भैंस उसी की। कन्नौज से नासिर हुसैन की रिपोर्ट।